वो जो है डेंगी कहते हैं, डेंगी एक्चुअली है, यहाँ पे लोग डेंगू बोलते हैं पर प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। डेंगी जो है मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है, उस मॉस्किटो का नाम है एडीज एजप्टाई, इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो पंख होते हैं उसके पैरों में जो है धारियां होती है टाइगर की तरह। ये पानी में ही लो लेवल पे रहता है और डेंगी जब पहली बार होता है तो उतना नुकसान नहीं करता है, वो नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होगा, मतलब बुखार आएगा और चड़ी के साथ बुखार आएगा, मतलब एकदम कपकपी आएगी, सर दर्द बहुत करता है और क्लासिकल जो है आँखों के पीछे दर्द होता है, यहाँ पे कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। इसके अलावा रैश होता है, चमड़ी पे छोटे छोटे रैश आ जाएंगे, चमड़ी पे थोड़े रैश आ जाएंगे, उल्टियाँ होने लगती हैं, पेट दर्द होने लगता है और दूसरा जो है डेंगी का सबसे वो है जॉइंट पेन एंड मसल पेन, माइलजिया, यानी कि जोड़ों में, घुटने में और बैक पेन होता है, समझ रहे, और हाथों के एल्बो में पेन होता है और माइलजिया होता है, मसल्स में पेन होते हैं। तो ये तो कारण मैंने बता दिया कि मच्छर से होता है, गंदगी से फैलता है, मच्छर फैलाता है और काटता है, ये बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो ब्लड जांच होती है। हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बता दूँ कि हर प्लेटलेट कम होना का मतलब डेंगू नहीं है, ये तो ज़्यादातर जो है कई बार होता है कि गांव में लोग जो है या फिर कुछ डॉक्टर्स जो है वो जैसे ही प्लेटलेट होता है उसको डेंगू करके उसको ट्रीट कर देते हैं। हर प्लेटलेट जो है, चलने दो मिनट से बड़ा होने तो क्या कर सकते हैं, हर प्लेटलेट कम होना डेंगू नहीं होता है, नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट कम हो जाता है, डेंगू में बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होता है। डेंगू प्रोफाइल कराना होता है, जो एलाइसा टेस्ट है उसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस के देखते हैं, IgM, IgG और NS1 एंटीजन के खिलाफ, अगर वो पॉजिटिव आता है, IgG ना भी पॉजिटिव हो, अगर IgM पॉजिटिव है और NS1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेंगू हो गया है, अगर IgG और IgM पॉजिटिव है, NS1 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशन यानी कि डेंगू जो है क्या क्या करता है, डेंगू करता क्या है, कॉम्प्लिकेशन में डेंगू के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग जो है वो टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी नलियां जो हैं वो मतलब खून की जो नली होती है फटने लगती है और लाल लाल रैश होते हैं जिसको पेटिके परपूरा वो कहते हैं। इसके अलावा जो है जब ज्यादा हो जाता है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में चेंज होता है, जिसमें शॉक में जा सकता है बंदा। ट्रीटमेंट पार्ट में आपको है कि जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये डेंगू है, अगर डेंगू है तो फ्लूड थेरेपी ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी कि आपको खूब सारा पानी पीना है और BP कम होने के चांस रहते हैं तो BP नपवाते रहिएगा, डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है जब भी रैश अगर पड़ जाए तो। इसकी मदद लीजिए, इसकी मदद। तो उसमें ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बता रहा था कि डॉक्टर जो है फ्लूड देते हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे डेंगू का ट्रीटमेंट हो सके, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एक मिनट, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मेनली फ्लूड ट्रीटमेंट देते हैं और अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर तभी प्लेटलेट चढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है कि जो है 60,000 हो गया, 50 हो गया प्लेटलेट चढ़ा देते हैं, डॉक्टर के उस पर डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो प्लेटलेट कब देता है, प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाता है, जो भी प्लेटलेट आप चढ़ाते हो वो 72 घंटे तक शरीर में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्लेटलेट चढ़ा दिया तो आपका मतलब उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो प्लेटलेट चढ़ाने के बाद फिर से प्लेटलेट कम हो सकता है। फीवर के लिए पैरासिटामॉल ही यूज करना है, एस्पिरिन ड्रग नहीं यूज करना है, एस्पिरिन जो है वो बढ़ा देता है क्या कहते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी,
इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी, फ्लूड देना है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ाना रहता है जो कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट है। अच्छा प्रिवेंशन पार्ट, प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको घर के आसपास कोई पानी जमा नहीं होने दीजिए। खासकर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता है टायर कहीं पड़ा हुआ है उसके अंदर पानी जमा है तो मच्छर अपना पैदा होते हैं, अंडे देते हैं, लार्वा बनता है। फूल के गमले गमलों में जो है ढेर सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, उसमें मच्छर बैल सकते हैं। कूलर में हो सकता है, यानी कहीं भी आपको अगर रखा रहे पानी है तो उसको फेंक दीजिए, चेंज करिए रोज। दूसरे जो है फुल स्लीव की शर्ट पहनिए, ग्लव्स पहन सकते हो, दिन में भी मच्छर काट सकता है, ये भी बता दूं। और जब पैंट पहनोगे तो मोजे के अंदर पैंट मोजा पहनो, मोजे के अंदर अपना लगा लो। मॉस्किटो रिपेलेंट ओडोमास वगैरह जो भी आता है उसको यूज़ करिए, कछुआ छाप यूज़ कीजिए, गुड नाइट यूज़ कीजिए रात में। मच्छरदानी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, मच्छरदानी ज़रूर लगवाइए घर में सोते वक्त जो है, और उससे प्रिवेंशन के लिए।